देखो तो यहाँ पर समझे, प्रोनाउन को समझते हम लोग, प्रोनाउन किससे पहले भी पढ़ लिया, ये पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का भाग का ये दूसरा पैराग्राफ में हम लोग चल रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन के जितने भी खंड है सबको हम लोगों ने विधिवत तरीके से पढ़ लिया है। पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया है, पढ़ा है कि पढ़ा है कि हाँ हाँ ही दाँत दिखा रहा है, पढ़ा है ना। नाउन के प्रकार पढ़ लिए हैं, नाउन के भेद उपभेद सब पढ़ लिए हैं, पूरा साधारण व्याख्या भी कर दिए हैं, है कि नहीं। अब आ गया हमारा प्रभाव किस पर, प्रोनाउन पर। नाउन के बारे में जान गए हैं, यदि आप नहीं जाने तो जा करके आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख करके जा सकते हैं। चलिए तो ये हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं सबसे पहले दो शब्द, यहाँ पर आपको गौर करना है कि प्रोनाउन का निर्माण कैसे होगा। तो प्रो और नाउन, प्रो मतलब अतिरिक्त, प्रो मतलब अतिरिक्त, और नाउन मतलब संज्ञा। तो यहाँ पर समझिए कि प्रोनाउन कहते किसे, है कि नहीं। मान लीजिए कि आपको किसी ने इनवाइट किया, सब समझ लीजिए उसकी क्या हो रही हो, शादी, ठीक है। तो कह दिया कि आप हमारे शादी में बराती आइएगा, बराती आइएगा, पप्पा भी है बेटा भी है। कहेगा पप्पा जी हम हो जाएंगे, आप अरे बकलेल कहीं। बराती का जो निमंत्रण दिया कोई, तो पूरा घर का आदमी को तो नहीं दिया, तब एगो, यदि आप जाइए तो वो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो आप नहीं जाइए, समझ रहे बात को। तो प्रोनाउन उसी को कहते हैं, मतलब जो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पे जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर जान लीजिए, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इनसाइड ऑफ अ नाउन, मतलब जो नाउन के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। चलिए यहाँ पर नाउन प्रोनाउन का शब्द जान गए, जैसे वह, जैसे हम कहेंगे कि राम बाजार जाता है, यदि हम ये भी नहीं कहेंगे राम बाजार जाता है, उसके बदले में कहेंगे वह बाजार जा रहा है, समझ रहे बात को। तो इसका भी बोध किससे होगा, राम से ही, क्योंकि वह जो है वह कौन हो गया, तो प्रोनाउन, और वह किसके बदले में आ गया, राम के बदले में, समझ में आ रहा है। अब ये प्रोनाउन का उपयोग सबसे ज्यादा होता था, तो प्रोनाउन का प्रयोग सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे बोलते हैं निबंध, ठीक है। अब हर एक जगह मान लीजिए कि गाय गाय लिख रहे हैं, हर एक जगह गाय गाय काव काव लिखेगा तो बोरिंग हो जाएगा, पूरा ऐसे आपका क्या हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तब फिर उसके लिए इट हो गया, दिस हो गया, ही हो गया, सी हो गया, ये सब का भी प्रयोग करते हैं, तब तो मेरी मतलब भाषा ही शैली क्या हो जाती है, शुद्ध और कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर जान लीजिए कि प्रोनाउन के भेद कितने हैं, प्रोनाउन के बहुत सारे भेद हैं, प्रोनाउन के कितने भेद हैं, ढेर सारे भेद हैं, ढेर सारे मतलब दस दस गो भेद हैं, कितने भेद हैं, दस गो भेद, एक दो गो नहीं, कितने भेद हैं, दस गो भेद हैं। चलिए दस गो भेद का यहाँ पर देख जान लीजिए कौन है। पहला भेद में यहाँ देख लीजिए, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, उसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम, जिसमें भी बल लगाते हैं, जो अधिकार मांगता है, मान लीजिए कहते हैं कि मेरा अधिकार वहां तक है, अधिकार है कि नहीं, तो वो कौन सा हो गया, वो मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन, है कि नहीं, अपना पोजीशन क्या करना चाहते हैं, बरकरार बनाना चाहते हैं, राइट, तो वो पोजीशन हो गया। उसके बाद डोमेस्टेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं, या निश्चयवाचक सर्वनाम उसको दूसरा नाम बोलते हैं। उसके बाद इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनडेफिनिट नहीं है, अनडेफिनिट है, अनडेफिनिट मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जाएंगे जाएंगे नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं, उसको कह दिया पूर्णिया जाएंगे लेकिन अपना घर में बैठ गए, है कि नहीं, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक या आत्मवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब व्यष्टिवाचक सर्वनाम। उसके बाद रिस्पोर्टिकल प्रोनाउन मतलब परस्पर बोधक सर्वनाम। हाँ, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, और इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, है कि नहीं। ये थोड़ी थोड़ी सी घटना है बड़े बड़े शहरों में हुआ करती है। चलिए ये तो पांचों के दुगुना मतलब दस है ना, पांचों का दुगुना दस, दसों का नाम क्या कर लेना है आपको, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले मतलब टॉपिक में हम एक एक उठा करके पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, उस पर अपना डिस्कस चलेगा, पूरा डिस्कस चलेगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, चलिए।